अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 101, सदियों की दूरी। कबीर तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए एक बार फिर से फर्स्ट फ्लोर पर था। वहां पहुंचते ही उसने एकदम से स्टिल फोटोग्राफर का रूम नॉक किया। अंदर से उसकी आवाज आई, कौन? कबीर ने आवाज बदल कर कहा, स्पॉट से हूँ सर। कबीर का इतना कहना था कि उसने झट से दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसने जैसे ही कबीर को सामने खड़े देखा, उसके होश गुम हो गए। उसने थरथराती हुई आवाज में कहा, कबीर सर आप? उसने डर के मारे ऐसे कांपना शुरू कर दिया था जैसे कि उसने कबीर की जगह पर कोई भूत देख लिया हो। कबीर ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर ही एकदम से उसके कमरे में घुसते हुए कहा, चुपचाप ओवर स्मार्ट बने बगैर बता दे कि तू ये सब किसके कहने पर कर रहा है। फोटोग्राफर ने अपनी कांपती हुई टांगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और हकलाते हुए बोला, क्या साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। कबीर ने एकदम से उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे वाली दीवार से चिपका दिया और आग उगलती हुई नजरों से उसे देखते हुए बोला, मैं दोबारा नहीं पूछता, इसीलिए पहली बार में ही बता दे, वरना मुझे ये बात किसी और सोर्स से कंफर्म करनी पड़ी तो तू कबीर कपूर को नहीं जानता, इंडस्ट्री में कोई तुझे काम नहीं देगा, जीना हराम हो जाएगा। कहकर उसने अपना दायां हाथ खूंसे की शक्ल में उस पर तान दिया। कबीर का ऐसा रूप देखकर उस फोटोग्राफर तो क्या, अच्छे अच्छे बहादुरों की भी हालत खराब हो जानी थी। उसने डर से अपनी आंखें मीचते हुए कहा, मुझे मत मारो साहब, मैं ये सब मेघा मैम के कहने पर किया था। पूरी बात बता, क्या कहा था और क्यों? कबीर ने उसे जोर से झिझोड़ते हुए पूछा तो उसने खिखियाते हुए कहा, मुझे उन्होंने आपकी और लैला मैडम की साथ में फोटो निकालने के लिए कहा था। लेकिन क्यों? ये मुझे नहीं पता साहब, हाय शपथ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं सर। उसकी आंखों में फैले हुए डर को देखकर कबीर को उसके जवाब पर शक की कोई वजह नहीं बचती थी, इसलिए उसने उसे एक बार फिर से धमकाते हुए कहा, चुपचाप यहाँ कमरे में पड़े रहना, और अब अगर कोई फोटो खींची ना तो ना तो तू बचेगा और ना तेरा कैमरा। कहकर उसने कैमरा उसके गले से झपटते हुए निकाला और उसकी रोल खींचते हुए निकाल ली। कबीर को ऐसा करता देखकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर इसमें शूटिंग का भी बहुत सा हिस्सा था, मैं पार्थो सर को क्या जवाब दूंगा। कबीर ने उसे एक बार फिर सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, इतनी सी सजा तो बनती है तेरे लिए, अब भुगत। कहकर वो पीछे घूमा और सामने रखी एक चेयर पर जोर की लात मारते हुए बाहर निकल गया। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकला, सामने लैला खड़ी थी। कबीर ने उस पर एक नजर डाली और फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहा, अपने कमरे में जाओ। लैला ये सुनकर उसके पीछे पीछे भागती हुई बोली, क्या हुआ, आप उससे क्यों लड़ने चले गए थे? कबीर को अभी उस फोटोग्राफर की वजह से बेहद गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसका दायां हाथ जिसका कुछ पार्ट जल गया था उसमें उसे बेहद जलन हो रही थी। और जिस वक्त वो लैला को सख्ती से कमरे में जाने के लिए कह रहा था, ठीक उसी वक्त लैला की नजर भी उसके हाथ पर पड़ी और उसकी एक चीख सी निकल गई, हे भगवान, ये आपकी शर्ट की स्लीव तो। लेकिन उसे कहने की मोहलत भी नहीं मिली और कबीर ने अपने कमरे में अंदर जाकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन लैला पहले ही उसकी मंशा भांप चुकी थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद करने से पहले ही अपना एक पैर दरवाजे में अड़ा दिया। इस वजह से दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो पाया और लैला जल्दी से उसके कमरे में दाखिल हो गई। कबीर की दर्द के मारे अब लैला को और मना करने की हिम्मत नहीं बची थी, वो अपनी शर्ट उतार कर निढाल सा अपने बेड पर लेट गया। लैला ने उसे ऐसे बिस्तर पर गिरते हुए देखा तो परेशान होते हुए बोली, कबीर सर। तभी जैसे उसे ध्यान आया, वो तेजी से उठी और फिर कमरे में रखे छोटे से फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाल लाई। उसने वो आइस क्यूब्स अपने कॉटन दुपट्टे में लपेटी और धीरे धीरे
कबीर के जले हुए हाथ पर रखकर उसे सेक देने लगी। बर्फ की लगातार ठंडक ने कबीर के माथे की शिकन कुछ हल्की तो की थी, लेकिन अभी भी उसे तकलीफ ज्यादा थी। लैला एक हाथ से उसे बर्फ की सेक देती और दूसरे हाथ से उसका माथा सहलाते हुए बोली, मुझे लगता है किसी डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। आप प्लीज चलिए, मैं अश्विन से कहकर गाड़ी निकलवाती हूँ। लेकिन कबीर ने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए बोला, नहीं, डॉक्टर को रहने दो, बस जलन ज्यादा है। मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में एक क्रीम होगी, देखना जरा। कहकर उसने कबर्ड की तरफ इशारा किया, और पट्टियां भी। लैला हाँ में सिर हिलाती हुई उठकर कबर्ड के पास चली आई और फिर अंदर रखे कबीर के सामान में वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर सूटकेस के ऊपर रखी कबीर की फैमिली फोटोग्राफ पर पड़ी। हंसता मुस्कुराता कबीर अपनी पत्नी और बेटे के साथ कितना खुश नजर आ रहा था। लैला के मन में जैसे कुछ टूट फूट सा गया। उसने पास ही पड़ा एक कपड़ा उठाकर उस फ्रेम पर रख दिया और तभी उसकी नजर वहीं कुछ ऊपर की तरफ रखे हुए फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी। उसने धीरे से बॉक्स उठाया। लैला भी बॉक्स खोलकर मेडिसिन निकालने के लिए बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही अश्विन की बेचैनी भरी आवाज उभरी, सर, कबीर सर। अश्विन की आवाज पहचान कर लैला ने कहा, हाँ अश्विन, आ जाइए। अश्विन ने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। हालांकि लैला को वहां देखकर उसके चेहरे पर आई झुंझुलाहट साफ महसूस की जा सकती थी। उसने कबीर के पास आकर कहा, सर ये तो ज्यादा लग गई है, मैं डॉक्टर बुलाकर लाता हूँ। तब कबीर ने तकलीफ भरी आवाज में कहा, उसकी जरूरत नहीं है अश्विन, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। उधर लैला ने बॉक्स से क्रीम निकालकर कबीर के हाथों पर लगाना शुरू कर दिया था। मैं बाहर ही हूं, अगर आपको जरा भी लगे कि डॉक्टर की जरूरत है बस एक बार कहिएगा मैम। लैला ने हां में सिर हिलाया। तभी बाहर से आते लोगों की आवाज सुनकर कबीर ने अश्विन से कहा, उन्हें आने से मना कर दो, कह देना कि मैं कल मिलूंगा, अभी मुझे आराम की जरूरत है। अश्विन श्योर सर कहकर तेजी से बाहर निकल गया ताकि आते हुए लोगों को रोक सके। तब तक लैला ने उसके पूरे हाथ पर क्रीम लगाकर ढीली पट्टी बांध दी थी। फिर कबीर की ही बताई हुई एक और दवा उसे खिलाने लगी। कबीर ने उसके हाथ से मेडिसिन लेकर कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी जाकर आराम करो, मैं दवाई ले रहा हूं ना, सुबह तक काफी हद तक ठीक हो जाऊंगा। लैला ने उसे नागवारी से देखते हुए कहा, आपको लगता है मुझे आपको ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहिए? लेकिन किसी ने अगर तुम्हें ऐसे रात भर मेरे कमरे में रहते देख लिया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा लैला। कबीर ने कुछ देर पहले उस फोटोग्राफर की बात याद करते हुए कहा। लैला ने वैसे ही लगातार उसका माथा सहलाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, जब से जिंदगी सही मायने में शुरू हुई तब से अपने लिए एक ही शब्द तो सुनती आई हूँ, और पता है कबीर सर, जब किसी लड़की पर ये ठप्पा लग जाता है ना, तो ये मायने नहीं रखता कि उसे ये लफ्ज एक बार कहा गया है या सैकड़ों बार। इसीलिए अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। और फिर आपने ही तो कहा था कि अगर तुम्हारा मन जानता है कि तुम सही हो तो फिर किसी के कुछ भी समझने की परवाह नहीं करनी चाहिए। कबीर ये सुनते हुए बस उनींदी आंखों से उसे देखे जा रहा था। लैला की आखिरी बात सुनते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। कौन कह सकता था कि 18 साल की लड़की अपने मन में लोगों की कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे इल्जाम अपने सिर माथे लिए घूम रही थी। सोचते सोचते कबीर की आंखें दवाई के असर से बंद होने लगी और वो कुछ ही देर में गहरी नींद में जा सोया था। लैला काफी देर तक उसे गौर से तकती रही। फिर जब उसे एहसास हो गया कि कबीर अब सो चुका है तो वो चुपके से उठी और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से ढांप दिया। खिड़की के शीशों पर
हल्की हल्की बर्फ की परत सी जमने लगी थी। आज शाम से ही मौसम बेहद खराब हो रहा था। कुछ देर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर यूं ही खिड़की के पास खड़ी रहकर वो अनजाने तौर पर एक बार फिर से कबर्ड के पास चली आई थी। उसने एक बार फिर पलट कर कबीर की तरफ देखा। उसे चैन से सोता देखकर उसने जल्दी से सूटकेस के ऊपर रखी वो फोटो फ्रेम उठा ली और फिर उन पर उंगलियां फेरते हुए दिल ही दिल में बोली, कल तक मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं आपको चाहकर कोई गलती नहीं कर रही हूं, लेकिन यूं आज इस तरह इस तस्वीर को देखकर मन गिल्ट से भरा जा रहा है। आपकी हंसती खेलती फैमिली और मैं इन सबके बीच क्या कर रही हूं? क्या मुझे अपने बढ़ते हुए कदम यहीं रोक लेने चाहिए? लैला के मन में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। सोचते सोचते जब वो थक गई तो वहीं आतिशदान के पास लगे सोफे पर अदलेटी सी सोने की कोशिश करने लगी। आज नरेन ने जैसे तैसे अरुण को मनाकर सेट पर आने के लिए राजी कर ही लिया था। वो सिर्फ गिल्ट की वजह से माया का सामना करने से डर रहा था, लेकिन उसे ये भी अच्छे से पता था कि आज न कल उसे ये मोमेंट भी फेस करना ही है। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी ये निपटा लिया जाए ताकि उतनी ही जल्दी उसके उस शो में वापस आने के चांसेस बनने थे। अरुण को माया के केबिन में ही बिठा कर नरेन शूटिंग के लिए चला आया था और जब उसके बाद वो वापस लौटा तो अरुण वहां मौजूद नहीं था। केबिन में माया अकेली बैठी हुई थी। नरेन नॉक करके अंदर गया और चौंकते हुए पूछा, वो अरुण आया था? आपसे मुलाकात हुई? माया ने हाथ में पकड़ा फोटो एल्बम टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ आया था, सॉरी वगैरह बोलकर गया है। मैंने कह दिया कि ये ट्रैक खत्म होगा तो कुछ प्लॉट सेट करते हैं। नरेन ये सुनकर माया का शुक्रिया अदा करने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उस एल्बम पर गई। उसने हाथ बढ़ाते हुए एल्बम देखने की इजाजत लेते हुए पूछा, आपकी एल्बम है, मे आई? माया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ एल्बम बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, जरूर, आज मॉम ने स्टोर रूम में सफाई करवाई तो ये वहीं मिली। मेरे बचपन की कितनी सारी फोटोज हैं इसमें। नरेन ने एल्बम हाथ में लिया और एक एक करके उसके पन्ने पलटने लगा। सबके बारे में पूछते हुए उसने एक तस्वीर पर हाथ रखते हुए पूछा, ये आपकी बहन है? माया ने एक नजर उसकी बताई हुई तस्वीर पर डाली और एक आह भरते हुए बोली, नहीं, बहन तो नहीं है। हाँ, मगर शायद बहन से भी कहीं ज्यादा थी। हमारी फैमिली फ्रेंड सुहाना। आपके साथ इतनी सारी फोटोज हैं इनकी, इसीलिए पूछा। वैसे थी क्यों? कोई मिस हैपनिंग? माया ने एक तड़प के साथ कहा, नहीं नहीं, भगवान ना करे, बस अभी कुछ मन मुटाव चल रहे थे इसीलिए कहा। ओ, नरेन पन्ने पलटते हुए पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा था, तभी माया ने कहा, मेरी और सुहाना की ना एक अनसेट डील थी। हम लोग हर दुर्गा पूजा में एक साथ ही एक ही पोज में फोटो जरूर खिंचवाते थे। ये लास्ट वाला पेज देखो, उसमें 2 साल पहले की तस्वीर है। उस वक्त हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी ये डील नहीं तोड़ी और हम उस साल भी फोटो खिंचवा कर ही रहे। माया के बताने पर नरेन ने जैसे ही उस पेज को पलटकर तस्वीर देखनी चाही, वैसे ही दरवाजे पर से आवाज आई, नरेन सर, आपको शूटिंग के लिए बुला रहे हैं। नरेन के वो पेज पलटते हुए हाथ अचानक से रुक गए। उसने एकदम से उठते हुए माया से कहा, मैं फिर देखता हूँ मैम, हैव अ गुड डे, कहकर वो वहां से चला गया। जबकि माया ने वो एल्बम अपनी तरफ करते हुए कहा, काश सुहाना तुम कहीं से वापस आ जाती। इधर जब कबीर की आंखें खुली तो लैला अब भी उसके सिरहाने बैठी हुई थी। कबीर ने चौंकते हुए कहा, तुम रात भर यहीं बैठी हुई थी क्या? लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अभी सुबह ही उठी हूं। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप
कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिनके पास तुम्हारे जैसी देखभाल करने वाली हो वो भला बीमार क्यों पड़ने लगा। लैला के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट तैर गई। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता ऑर्डर कर देती हूँ। कबीर ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए अपना सिर हल्के से झुकाया और बोला, जो हुकुम। लेकिन लैला की नजरों में एक खाली पंसा देखकर कबीर को कुछ खटका सा लगा। वो बाथरूम की तरफ जाते जाते उसकी तरफ मुड़ा, फिर सोफे के पास नीचे कारपेट पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ, नाराज हो? लैला ने उसकी नजदीकियों से घबराकर कुछ पीछे होते हुए कहा, नहीं तो मैं भला क्यों नाराज रहूंगी। कबीर ने गहरी सांस ली और उसकी नजरें लैला के पैरों पर जा टिकी। उसने धीरे से उसके पैरों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, फिर आखिर बीती रात में ऐसा क्या हुआ जो आज सुबह तुम मुझसे सदियों दूर महसूस होने लगी हो? कबीर की छुअन से लैला सिहर सी गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और वो एकदम से उठते हुए बोली, वो पार्थो सर का फोन था, उन्होंने कहा है कि आज आप दिन भर रेस्ट कर लें, आपकी शूटिंग वो कल से स्केड्यूल कर लेंगे। कबीर को लैला का यूं छिटकना बार बार इस बात की तरफ इशारा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है जिसने उसे इतना परेशान कर रखा है। लेकिन किसी को भी कोई भी बात बताने के लिए मजबूर करना ये कबीर की फितरत में था ही नहीं। कुछ ही देर में कबीर फ्रेश होकर आया तो लैला ने कहा, आइए मैं दवाई लगाकर पट्टी बदल दूं, तब तक नाश्ता भी आ जाएगा। कबीर ने उसकी तरफ एक उचटती सी नजर डाली और फिर शर्ट डालता हुआ बोला, नहीं नाश्ते के बाद बदल लूंगा, और नाश्ता मुझे क्रू के साथ ही करना है। लेकिन लैला ने उसकी बात सुनकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन कबीर ने उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लैला वहीं के वहीं खड़ी रह गई। कबीर नीचे आया तो सब उसके आसपास घेर आए, कोई उसकी चोट के बारे में पूछ रहा था तो कोई उसकी दिलेरी की तारीफ किए जा रहा था। तभी कबीर की नजरें कुछ दूर पर बैठी नाश्ता करती हुई मेघा पर गई। वो सबसे एक्सक्यूज करता हुआ मेघा के ठीक सामने चेयर पर आ बैठा। मेघा ने जैसे ही उसे सामने देखा एकदम घबराते हुए चौंक सी गई। कबीर सर, कैसे हैं आप? मैंने सुना कल रात आप। मेघा का इतना कहना ही था कि कबीर ने टेबल पर रखा फोक अपने हाथ में उठाया और बोला, एकदम चुप, वरना इसी फोक से तुम्हारी जुबान में इतने सुराख कर दूंगा कि फिर जिंदगी भर कुछ बोलने लायक नहीं बचोगी। ये सुनते ही मेघा का चेहरा गुस्से और जलील होने के एहसास से सुर्ख हो गया। उसने एकदम से उठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। कबीर ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और फिर एक एक लफ्ज को जैसे चबाते हुए बोला, खामोशी से बैठ जाओ, फिर मैं बताता हूं कि मुझे तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का हक कैसे मिला है। कबीर के लहजे में कुछ ऐसा था कि मेघा न चाहते हुए भी वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं कबीर सर को फोटोज के अलावा इस बात का भी तो पता नहीं चल गया। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।